एक गांव था, वहां पर एक पंडित रहता था और एक भगवान का बड़ा भक्त रहता था। तो एक दिन माता लक्ष्मी जी आई और उस पंडित को बोली कि मैं वो जो भगवान का भक्त है उस पर बड़ी प्रसन्न हुई हूँ, तो आप जाकर उसको बोलो कि मुझे उनके घर जाना है, तो मुझे वो लेने के लिए यहाँ पर आए। तो फिर क्या हुआ, उस पंडित ने जाकर उस भगवान के जो बड़े भक्त थे उसको जाकर बोला कि माता जी लक्ष्मी जी आने वाली है आपके यहाँ, और वो बोल रही है कि अगर आप उसको लेने आओ तो वो यहाँ आपके वहाँ आएंगी। तो उस भक्त ने बोला कि पहले तो उस लक्ष्मी जी माता को पूछ लो कि आप आसुरी हो या देवी लक्ष्मी, ठीक है? अगर वो बोले कि हम मैं आसुरी लक्ष्मी हूँ तो बोल देना नहीं आई, अगर देवी लक्ष्मी हो तो ठीक है, दो भले आए, ठीक है? तो फिर बाद में उस पंडित जी ने लक्ष्मी जी के पास जाके बोला कि आप आसुरी हो या देवी लक्ष्मी हो, तो उस लक्ष्मी माता ने बोला कि मैं आसुरी लक्ष्मी हूँ। तो फिर क्या हुआ, तो उसने बोला कि वो जो भक्त है उसने तो मना कर दिया है, अगर आसुरी लक्ष्मी हो तो आपको वो नहीं लेने आएगी, और अगर आप देवी लक्ष्मी हो तो ही आपको वहाँ जाना है। तो उसने बोला चलो ठीक है। तो फिर वो उस पंडित को लालच जागी, तो उसने बोला उसने तो मना कर दिया, आप मेरे घर आओ। तो फिर लक्ष्मी जी बोली चलो मैं आती हूँ। तो लक्ष्मी जी ने उस पंडित का हाथ पकड़ लिया, फिर पकड़ने के बाद वो चली ही नहीं उसके साथ, और उस पंडित को भी पकड़े रखा। तो भी पंडित कितना भी चिल्लाया, बोला कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। तो फिर पंडित ने पूछा कि आप मुझे क्यों छोड़ नहीं रहे हो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, ठीक है? आप मेरे साथ भी नहीं आ रही हो और मुझे छोड़ भी नहीं रही। तब जाकर लक्ष्मी जी ने बोला कि मैं आसुरी लक्ष्मी हूँ, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी, कुछ ना कुछ तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, तब जाकर मैं तुम्हें छोड़ूंगी। तो वो पंडित जी थे उसके पास कुछ नहीं था तब, लेकिन वो चंदन बोलते हैं ना, जिसको हम गोपी चंदन बोलते हैं, वो उसके पास था। तो उसने वो गोपी चंदन देकर उस लक्ष्मी जी का हाथ छुड़ाया। तब से गुजराती में एक कहावत पड़ी, गायठनू गोपी चंदन ग्यू। वो कहावत के यहाँ से इस वजह से पड़ी है, तो जिंदगी में हमें कभी अनीति का चाहे कितना गुना ज़्यादा मिले वो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जब आ ही जाता है आपके घर में, अनीति का हो फिर भी अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन क्या होगा कि वो आपका जो मेहनत का कमाया हुआ है वो भी जब जाएगा ना तो वो भी साथ लेके जाएगा। तो उससे अच्छा है कि थोड़ा कम घर में हो तो चलेगा, ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा होने की, लेकिन नीति का हो तो अपने आप भी खुश रहोगे और बाद में तकलीफ भी कम होगी। तो अनीति से बचे, भगवान को भी यही प्रार्थना कीजिए कि तुम दो, कम दो तो भी चलेगा, लेकिन अनीति का नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपको शांति से बैठने नहीं देगा और कुछ ऐसा वैसा ही करवाएगा। तो नीति का हो, अपनी मेहनत का हो, वो ही लीजिए, अनीति से बहुत चाहे कितना गुना ज़्यादा मिले, कितना ज़्यादा मिले उससे दूर ही रहिए। तो ये है आज का थॉट्स। किसी को दुख पूछे, किसी को तकलीफ हो, उस तरह से कमाया हुआ धन आपके घर ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं, तो उससे बिल्कुल बचे। कम हो तो अच्छा है, लेकिन अनीति का तो नहीं चाहिए। तो ये एक मन में गांठ बांध लीजिए, कुछ भी हो लेकिन अनीति का नहीं होना चाहिए। और इस वीडियो को जितना बने उतना शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात हो गई है नीति और अनीति का। अगर अनीति का किसी को, मान लीजिए आजकल तो करप्शन भी कहीं कहीं होता है, तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ उसको ही पता है, वो तुरंत तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन बाद में जब तकलीफ आएगी ना, तब जिसने किया हो करप्शन और वो सब, उसको आप पूछोगे तब जाकर पता चलेगा कि कितनी तकलीफ उनको पड़ती है। तो बचे रहिए इनसे। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द वन वे ऑडियो विजुअल कम्युनिकेटिंग, वन ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरनेट, मतलब कि इंटरनेट का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, आप सुन सकते हो, आपसे कमेंट कर सकते हो।
तो साल पूरे साल पूरा होने आया, आज लास्ट डे है, तो कल से 2022 शुरू होगा। तो होप सबके लिए अच्छा रहे और आप एंजॉय करो और दूसरों को करवाओ। के साथ शुरू करते हैं हमारा दिन, और ये आप देख सकते हो आज तो पूरा स्काई है वो फटा हुआ दही या फिर पनीर जो बोल सकते हैं वो उसकी तरह हो गया है पूरा, देख सकते हो आप, देखिएगा। जी गुड मॉर्निंग। आपका टाइम मिलना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, पूरे दिन काम में ही रहते हो, कभी कभार टाइम मिलता है। इस तरह से ये स्विच की भी सफाई हो रही है, क्या देख रही हो, टाइम नहीं तो ठीक से क्लीन हुआ या नहीं हुआ। और ये हमारी माता जी हावेणा हाथ में लेते हुए बाहर से साफ सफाई करके अंदर आ गए है। ऐसा है वो क्या है कि बाजू वाले कभी साफ सफाई करते तो उसका थोड़ा बहुत पानी आता है ना, तो अच्छा नहीं लगता मम्मी को, तो उसको तुरंत साफ करने जाना ही पड़ता है, शांति नहीं रहती। वो उसका जीव थोड़ा वो ऐसा है ना, अधीरा जीव, कुछ भी ऐसा वैसे गंदा हो ना वो नहीं चला लेती। तुम्हारे पास धीरा पड़ी जैसे बेचारा, क्योंकि हम डटर है, हमें कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए ये सिंहासन पर बैठकर काम हो गया है, कुछ काम कर रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए मम्मी, कुछ फर्क ही नहीं पड़े, काम जितना बात करने हैं जिसको जो बोल रहे वो बोले, हमें लेना ही नहीं है, बोलने वाला बोलेगा, हमें कुछ नहीं लेना। ये बेटी उठ गई लेकिन फिर भी सोने का नाटक कर रही है, और पंखा भी चालू रखना पड़ता है, ऐसी ठंडी में भी इसको पंखा चाहिए। रात को क्या नाटक किया था वेदु, वेदु रात शू नाटक करू तू ते? तो ऐसा ही है, उठना ही नहीं है इसे, किसे भी किसी तरह हिलाओ, अगर बहुत ज्यादा तंग करो को तो चिल्लाएगी, देखना अभी देखो जीतरा बाबा, ये हमारा जीतरा बाबा, देखो 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 नहीं तो तू केम सांजे तोफान करती थी राते, बाय एम कहे के तोफान कर रहा था, शू तोफान कर रहा था के मने हाल के ने वड़ी तो कई नहीं, हूँ पंखो बंद कर दू छू, लाइट बंद कर दू छू, बार वो जाऊ छू, बराबर कई वो नहीं, तो करती रहो तोफान, तेने क्या क्या लई न जाओ, घरे मुकीन जाइस, बराबर ने। कल इसका नाटक शुरू हो गया था तो होमवर्क नहीं किया, सुबह सुबह ट्यूशन जाने से पहले होमवर्क करने लगी है, और वो भी ये अजीब पुरानी चप्पल पहन के, वो भी एक पैर में पहना है एक में नहीं पहना, पहना वो भी उसकी दादी का साइज का है, तो इस तरह से चलता है इसका, ये हमारा अजीब प्राणी है। लिखो लिखो, गीता बेन झापट मारेगी तब लिखोगी, लिखो। ये नया जुगाड़ फोन काम करते करते फोन करने का इस तरह से चलता है। ये दादी और बच्चे का छुपन छुपाई चल रहा है। शिवो शिवो बा क्या संताना छे गोती ले, क्या बात शिव बा क्या
વિદુ મૂકી દે એને છૂટતી રમવા દે.